Hey guys, welcome to my YouTube channel Wayan Edge Lifestyle. This is Bhavya here. Today I have come up with a new beauty video for you. In today's video, we are going to talk about that how to curl your hair naturally at home. अगर आपको भी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर आपको किसी प्रॉम नाइट में जाना है और आप अपने बालों को लेकर हैं काफी परेशान, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जिससे नेचुरली घर बैठकर ही आप अपने बाल को कर्ल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये ब्यूटी टिप। टिप नंबर 1, यूज पिन इन वेट हेयर। जब भी आप नहा कर बाहर निकलते हैं और शैम्पू से अपने बालों को वॉश करते हैं तो आपके बाल वेट होते हैं, तो उसके बाद आपको अपने बालों पर अच्छे से हेयर पिंस को लगाना चाहिए। फिर आप इसको 20-25 मिनट्स बाद इन पिंस को अपने बालों से रिमूव कर दीजिए। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल नेचुरली कर्ल हो गए हैं, क्योंकि गीले बालों में जब हम हेयर पिंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल पिन की ही शेप ले लेते हैं। सो दिस इज अ नेचुरल होम टिप टू मेक योर हेयर कर्ल। टिप नंबर 2, हॉट रोलर्स। हॉट रोलर्स भी आपके बालों को नेचुरली कर्ल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, तो अगर आपके पास भी टाइम की शॉर्टेज है तो आप हॉट रोलर्स को यूज कीजिए, क्योंकि हॉट रोलर्स काफी कम समय में आपके बालों को नेचुरली कर्ल करते हैं। तो हॉट रोलर्स को अपने गीले बालों में अप्लाई कीजिए एंड आफ्टर 30 मिनट्स यू शुड रिमूव रोलर्स फ्रॉम योर हेयर एंड यू विल नोटिस दैट योर हेयर्स आर गेटिंग कर्ल नेचुरली। टिप नंबर 3, कर्लिंग आयरन। कर्लिंग आयरन इज ऑल्सो अ होम रेमेडी टू कर्ल योर हेयर नेचुरली बाय सिटिंग एट होम एंड इट टेक्स फ्यू मिनट्स टू कर्ल योर हेयर नेचुरली। तो अगर आपको भी जल्दी से पार्टी में जाना है और अपने बालों को हेयर कर्ल करना है तो आपको कर्लिंग आयरन को यूज करना चाहिए। कर्लिंग आयरन को आप पहले ही आधा घंटा पहले गर्म होने के लिए रख दीजिए। फिर जब ये आयरन अच्छे से गर्म हो जाए तो इससे अपने बालों की एक एक स्ट्रिप्स को लेकर अच्छे से राउंड अप कर लीजिए। फिर आधे घंटे बाद आप अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल कितने ब्यूटीफुल और नेचुरली कर्ल हो जाएंगे। टिप नंबर 4, पिन कर्ल। पिन कर्ल हेयर स्टाइलिस्ट भी काफी अच्छी तरह रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बालों को पिन कर्ल करके भी नेचुरली कर्ल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। फिर अपनी 4 पोर्शंस के बालों को लेकर आप अच्छे से ट्विस्ट कीजिए। इससे आपके बाल अच्छे से कर्ल भी हो जाते हैं और नेचुरली उनको एक अच्छी शेप भी मिल जाती है। और उन 4 पोर्शंस को आप अच्छे से पिन अप करके अपने बालों को राउंड पोर्शन में घुमा लीजिए। फिर आधे घंटे बाद इन रोलर्स को आप खोल दीजिए, इससे आपके बाल डायरेक्टली कर्ल हो जाएंगे। टिप नंबर 5, पोनी टेल। आप अपने बालों की छोटी छोटी स्ट्रिप्स को लेकर अच्छे से टाई अप कर सकते हैं। एक रात को सोने से पहले अपने बालों की छोटी छोटी लेयर्स को अच्छे से गुथ कर लीजिए। फिर सुबह उठकर इनको अच्छे से खोल दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके बालों पे छोटे छोटे कर्ल्स के पोर्शन आ जाएंगे और ऐसा लगेगा कि आपने नेचुरली पार्लर से अपने बालों को हेयर कर्ल किया है। So these are the 5 tips to make your hair curl naturally at home. तो अगर आप भी इन ब्यूटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपके बाल naturally curl हो जाएंगे।
So this much is for today, and I will be back with more beauty videos for you. If you like my today's video, then give me a big thumbs up. And if you have any suggestion related to the video, you can comment me below in the comment section. And please do not forget to subscribe my channel Vyanet Lifestyle for more beauty videos. Thanks for watching my video. Bye.